घर कैसा था? घर की खेती है। कभी फड़वा उठाया, जम जम छील लिया, हो गया काम। और देखा यहाँ पे नायरो रो रही है, वो भी क्यों? क्योंकि इनकी अम्मी चली गई घर। और ये क्यों रो रही है? फिर हम छोड़ के आने थे। और हम लोग खाने के बाद कैसा करते हैं ये देखो। वकील ने बोला कि बाहर मत जाना, तो हम अंदर गए, फिर ये वाले गेट से निकलने हम सारे। So, hey guys, welcome back to my new vlog. Hey guys, I hope आप सारे अच्छे होंगे। तभी मैं खाला के घर पे हूँ और आज करने वाला हूँ खाला के घर पे अवतार। आज मैं सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी थी, तो मैंने ना अब व्लॉग स्टार्ट किया। और अभी ना थोड़ी देर में अवतार का टाइम भी हो जाएगा और आपको दिखाता हूँ शाम का व्यू कितना अच्छा लग रहा है आज का। तो अभी चलते हैं, पहले अवतार करते हैं। और आज बहुत सारे रात में काम है, अलग अलग शुक्र से मेरी तबीयत इस टाइम सही हो गई, नहीं तो सुबह से मैं बेड ही पे था। घर से मैं नानी घर पे आया ना, तो पता चला कि पता तो पहले भी चल गया था, तो और मैं आया यहाँ पे, देखा मामू आ गए और खाला आ गई, मौनी आ गई और मेरे मौनी के भाई भी आ गए। ये देखिए यहाँ पे साले साहब मामू के, मेरे वो भी आए हैं। ये तो यही करेंगे, ये मतलब यहाँ नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये लोग नानी के घर पे करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं अपने हेयर को कटिंग करवाने, मैं और फजल कटिंग करवाएंगे। और इन लोगों को पता नहीं करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, जिसका मन करे वो करवाएगा। तभी चलते क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदे लग रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा झेल रहा हूँ इतने बड़े बड़े बाल। किल तो झेल चुका है काफी बार, ना किल? बचपन से ऐसे रखवाते हैं यार। सो गया बचपन से? बचपन से नहीं रखा है काफी बार, अभी भी कटवाएंगे। अच्छा जब ऐसा किला था नॉर्मल, अब क्या हाल है ये वो, जब ब्लॉग रहा नहीं अभी। अच्छा इसे कैसे बोलते बताओ तो, क्या हाल है भैया? मैं गंदा आदमी हूँ मैं। गाइस तो हम गुल्लू भाई की दुकान पे आ चुके हैं। तो मेरे फाइनली देखिए कैसा लुक आया, अब बताओ। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत करवाया है और काफी अच्छा लगने लगा ये। और अब फजल की कटिंग होने आ रही है, इनके बाद ये भाई की होगी, इनके बाद इनकी तो कुछ नहीं होगी क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। नहीं यार ऐसी बात नहीं कर रहे यार, ऐसा नहीं कि मैं गरीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल? ठीक है जी वाला। आज तो अच्छे लग रहे हैं आप। अभी अभी आया है लखनऊ से, अप्पी को लेने गया था। हम लोग का ना काम यही, अप्पी घर सुबह पहुंचाओ, अप्पी को लेके आओ, अप्पी को छोड़ने जाओ। गाइस तो हमारी सबकी कटिंग हो चुकी है, भाई की भी हो चुकी है फुल, फजाइल की भी। और हमारे हीरो शाहरुख खान सर, उन्होंने भी आज हमें देख के फिर बोला कि चलो हम भी अपना बालों को बाय बाय बोलते हो, अल्लाह हाफिज जा रहे, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। हम सारे आए थे घंटाघर पे, यहाँ पे आए थे घंटाघर पे, वो दिखा सदा भाई के वहाँ हलवा पराठा खाने। यहाँ का ना रमजान में हलवा पराठा बहुत फेमस रहता है, काफी भीड़ लग के बिक रही है देखो आप वहाँ पे। और हम लोगों ने ज्यादा नहीं लिया, 10-10 रुपए का लिया क्योंकि सबके सब गरीब है आज के जमाने में। अभी हम खाना भी नहीं खाया ना, बाकी पैसे तो अलहमदुल्ला रहते हैं मेरे पास नहीं, बाकी इनके पास तो बहुत ज्यादा बहुत पैसे अपने पास। हलवा पराठा खा के हम घर पे आए और देखा यहाँ पे नायरो रो रही है, वो भी क्यों? क्योंकि इनकी अम्मी चली गई घर। क्यों रो रही है? हम छोड़ के आने थे घर पे, छोड़ के आ रहे। इन्होंने बोला पहले कि हम रुकेंगे, अब बोलने की नहीं रुकेंगे कुछ तरीका। अल्ताफ अपने भाई को मना रहे कि भाई आज हम गुल्फा के घर पर रुक रहे हैं और अभी हम फजीन रुके, नहीं आओ जल्दी आओ कर भाई आज रुके। बात कर ली क्या बोले? अच्छा चलो भाई हम खाना खाते, खाना आ गया माशाल्लाह। आज बनाए कबाब और बिरयानी और पराठे। इसमें क्या है? इसमें बिरयानी, बिरयानी बिरयानी खाओ। अब उठोगे कंधे लड़के, दुआ पढ़ो पहले। हाँ अल्लाहुम्मा पढ़ने आ रहा था ये, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। Okay. जब घर पे खाना लगता है ना, इतना अच्छे से सब लगा देते हैं कि हाँ आप जाओ खाओ तुम। और हम लोग खाने के बाद कैसा करते हैं ये देखो। पूरा तहस महस मचा दिया हमने। अल्ताफ ने कुछ ज्यादा ही, ये वाले भाई ने कुछ ज्यादा। साहब इधर उधर जल्दी लाओ, इधर लाओ, उधर लाओ, उधर लाओ। ये तो भैया हमने बहुत आराम से खाया, देखिए हमने अपना खाया अच्छे प्लेट साफ की, फिर एक एक पीस उसमें रख, बट ये हमने पूरा नहीं, 2-3 पीसेस खाई है। इधर तो अब हम जा रहे हैं अल्ताफ को विदा करने, अल्ताफ अपने घर जा रहे हैं और हम सारे यहीं पे रुकेंगे। तो पहले चलते हैं अल्ताफ को छोड़ने के लिए, लेट्स गो। चलो हम सारे खाना खा के फिर आए अपनी जो मतलब जो हमारे लिए है बेस्ट, वो हम चाय पीने रूटीन तलब दूर करने के लिए। अल्ताफ को चाय नहीं दे रहा, बार बार अखिल जैसे क्या दे दिया। अल्ताफ भाई बोलते कि मेरा जलवा है, मेरा जलवा। भाई दिखाओ कहाँ है तुम्हारा जलवा? जलवा चलो घंटा दिखाते।
तो हम खाना वाना खा के फिर हम बैठे थे, अल्ताफ तो चला ही गया था और हम घर पे आ गए थे। उसके बाद हम बैठे 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 ये सब तो फोन यूज कर रहा था और मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रहा था। अभी जैसे ही टाइम देखा तो देखा कि 3 बज चुकी है, तो अब शायरी का टाइम हो चुका और आज हमारा 28वां रमजान रहेगा, फिर 29वां रमजान, फिर 30, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ईद। मजे होंगे भाई, यकीन। दो दिन के बाद ईद है भाई। 2 दिन? हाँ। और क्या? तुम ईद में कपड़े सिलवाए हो? नहीं, मैं गरीब हूँ। नहीं भाई, सब तुम तो भाई अपने से ना बोला करो भाई, नहीं अच्छा लगता है। माना हो बट अपने से ना बोला करो, वो कुछ ज्यादा ही गंदा लगता है। हमारे चक्कर में ना, हमारे चक्कर में वाले भाई भी वैसे पड़े हुए हैं और उनके भी नींद नहीं आ रही। हमारे चक्कर में ना वो तो सो जाते हैं सुबह अफ्तार के बाद तुरंत सो जाते हैं, ऐसा कुछ वो बता रहे हैं। तुम्हें तो कह रहे थे अफ्तार के बाद हम सो जाते हैं। चलो ठीक है, कब सोते बता दो, कब सोते? झूठ बोल रहा है। OMG, तो फिर इनका सीन कुछ वो वाला होगा, काशिफ वाला इनका सीन होगा, कुछ ना कुछ तो। अभी तुम सैरी करेंगे फिर देखेंगे क्या करना है आगे। ये तो फोन ही यूज करे जा रहे हैं। सैरी में फिर बिरयानी मिलेगी। हाँ, बिरयानी वही मिलेगी और चाय वाय बन जाएगी। अब हमारी होने जा रही है सैरी। ना सैरी में टाइम लगता है और ना ही किसमें खाने में टाइम लगता है। और फिलहाल सैरी करते हैं मगर रोजा एक नहीं रखे हैं, बड़ी गंदी आदत है इनकी। कौन सा रोजा रहते हो तुम? रात अभी सो रहा था, बेड से गिर गया। कैसे? सोते हुए गिर गया। सोते हुए नहीं, तो फिर कैसे? रात में दौड़ रहा, रात में दौड़ा जा रहा है। तो हम करते हैं सैरी कर रहे हैं, फिर बिरयानी, खजूर, ये नई चीज बनी है और ये हमारे लिए कुछ प्रोटीन वाली चीजें हैं, बट अभी खाएंगे नहीं क्योंकि मेरी गले में खराश हो जाएगी। तो जिसको भी सैरी करनी है आप लोग कर लो, बड़े टेस्टी बनाई है, उन लोगों ने खाया बता रहे हैं। अम्मी चम्मच दे दो, चम्मच दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब तुम्हें ले लो, मेरे से ले लो, लो उठाओ। बेला आओ, इनको भी शेयर करना, बट कोई दे नहीं रहा है, बुरा लगता है भाई। कर ये देखो, एक खा चुके, दूसरा होता है वो भी खा। मैं नहीं, हम बाम के लिए लेने जा रहे भाई। कर कर बेटा, 10 रुपए का ले लेना। हमारी सहरी हो चुकी है और हम जा रहे हैं नायरू को घर पे छोड़ने। ये रात से जाग रही है कि हाँ हमें छोड़ा नहीं है, पूरी रात बैठ के आरटीए बनाई है फिराज के साथ। नायरा के घर आके हम मामू भी सहरी नहीं कर रहे हैं। हम अल्लाह हाफिज भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपके अमानत आपको दे दिया, आपको मुबारक, आपके अमानत। बहुत रो रही थी, मैंने दवा भी खा ली और अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, फुल रेडी होके मैं आ चुका हूँ और ये लोग बैठे हुए हैं। खाने आया था, पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज, इसलिए तो इतना टाइम लग गया। तुम्हारे तो गंदे सोना है भाई, हमने यहाँ बैठे मच्छर काट रहे पूरे। मोहब्बत है भाई, मोहब्बत में बैठे, मोहब्बत 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 प्यार हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नमाज पढ़ने के लिए। वकीलों ने बोला कि बाहर अब मत जाना, तो हम अंदर गए, फिर ये वाले गेट से निकल रहे हैं हम सारे आराम से, उधर से नहीं इधर से आ रहे हैं। और हम जा कहाँ रहे वो आपसे बता दें, हमारा प्यारा सा कपूरथला पार्क है वहीं जा रहे हैं। प्यारा सा कहा जो भी है, ठीक है, बढ़िया है। ये देखो गाड़ी कैसे लेके आ रहा है, आगे स्टार्ट करेंगे, ये देखो। एक वहाँ पैदल ला रहे ये देखो भाई गाड़ी, आओ स्टार्ट करो भाई, फटाफट स्टार्ट करो, चलो फटाफट भाई, देर हो जाएगी यार। हम जा रहे हैं पार्क, आज बहुत दिन बाद पार्क जा रहे हैं। हाँ, बड़े हो गए, मतलब पहले जाते थे, पहले तो जब देखो तो वहीं जाया करते, बट अब जा रहे हैं हम, देखते हैं आज क्या सीन है वहाँ का, क्या क्या बना है। सुनने में कुछ अच्छा अच्छा बना है वहाँ पे, चलते हैं देखते हैं क्या अच्छा बना है। ये है हमारी सस्ती और महंगी कपूरथला पार्क, ये देखिए, सिर्फ यहाँ पेड़ पेड़ मिलेंगे आपको इसमें लेने के लिए, बस और कुछ भी नहीं। उधर कुछ झूले लग रखे हैं, अभी वहाँ पे चल कर दिखाते हैं आपको। अरे लो काम अकेला लगा दो, तेज 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 तेज, ये देखो फर्जी ला बैठ जाते हो फिर जब नहीं झूल पाते हो। पकड़े देखो। हाँ बैठा लो बैठा लो, फिर बैठा लो, कस्टमर आ गए, आराम से पैर गंदे हो जाएंगे। गई सरकारें हमें पैसे लगाना चाह रही है बट यहाँ के लोग नहीं लगाने दे रहे। मतलब यहाँ पे झूले लगा रखे थे कुछ दिन पहले पूरे यहाँ पे और इधर इधर पूरे, और यहाँ पे सुसाइड पॉइंट बना दिया है इसको, स्लाइडिंग वाला था बट सुसाइड पॉइंट बन गया। ये देखो मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, हेलो। और यहाँ से पता नहीं कौन लेके चले जाते हैं हम, देखो इधर भी गायब है, इधर भी गायब है, उधर भी गायब है, और उधर भी सब थे वो भी गायब है, और इन्होंने पतंग छुपा दी उधर, कहाँ रखी है, हम ले जाएं? नहीं, तो अभी तो हम यहीं पे हैं, अकील तो यहाँ पे खड़े कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या करने आए तुम भाई, घूमने आए थे, घूम लिए, अब सोना है, अब सोना है, अब हम चलते हैं देखने आगे, थोड़ा बहुत चलेंगे फिर घर।
चलो भाई, तुमने देखा हमारे बहराइश की वो क्या बोलते हैं, पार्क, पार्क पार्क ये सस्ती हम लोग के लिए तो इतनी ही बहुत है भाई। यहाँ बहराइश में सबसे बड़ी बात तो ये है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस तो हम सारे घर पे आ चुके हैं, अभी भी ना सब सोए नहीं है कोई भी, फिर भी सब फोन यूज कर रहे हैं। देखो वो भी ये भी, और ये तो भाई फुल बड्स वर्स लगा के रेडी है उसका। मेरे को नींद लग रही, मैं जा रहा हूँ सोने। और अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो आपको क्या करना है वो आपको पता है, बहुत सारा प्यार देते हो जैसे वैसे प्यार देना। और ये वाले भाई कैसे लगे आपको, जैसे भी लगे आप बता देना कमेंट में, जो भी कमेंट भर डालो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय करो, बाय बाय।